पूर्वज जब अच्छे काम कर जाते हैं तो आगे की पीढ़ियां समाज में गर्व से सर उठाकर चलती हैं और पूर्वजों के काम पर सम्मानित महसूस करती हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी की स्थापना के 200 साल पूरे हो रहे हैं। कैप्टन यंग ने मसूरी की स्थापना की थी। मसूरी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कैप्टन यंग के वंशज भी मसूरी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मसूरी को आज पूरे 200 साल हो गए। मसूरी नगर पालिका परिषद की तरफ से द्वि शताब्दी कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में ऐतिहासिक गांधी चौक पर आईटीबीपी के जवानों ने ब्रास बैंड की प्रस्तुति दी, जिसने सबका मन मोह लिया। देश विदेश से आए पर्यटक ब्रास बैंड की धुन में खो गए। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि 200 साल पहले मसूरी को कैप्टन यंग ने बसाया था। खुशी की बात यह है कि उनके वंशज नगर पालिका के द्वि शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम सभी मसूरी वाले कैप्टन यंग के परिजनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम पूरे साल मसूरी में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं कैप्टन यंग की पोती रिचिल मगोवन ने कहा कि मसूरी आकर उन्हें इस बात की खुशी हुई है कि उनके पूर्वज कैप्टन यंग ने इस खूबसूरत शहर को बसाया है। उन्होंने कहा कि इस शहर का लैंडस्केप बहुत ही अच्छा है और यहाँ की आबो हवा भी आयरलैंड जैसी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के परिवार बहुत मजबूत हैं। भाग्य की बात है कि मसूरी को 200 वर्ष पूरे हुए हैं। 200 साल पहले यह शहर बसा था, कैप्टन यंग द्वारा बसाया गया था, और आज बड़ी खुशी की बात है, उनके परिजन हमारे बीच में पहुँचे हैं। यहाँ पर रेशल जो पहुँची हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करती है, एंसेस्टर्स हैं उनके, आगे जनरेशन 4th-5th generation से उनके हैं, और आज बड़े सौभाग्य की बात है वो हमारे बीच में हैं, और हम बड़े हर्ष उल्लास से 200 साल मनाएंगे और मसूरी का, और पूरे साल ये कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। It's lovely to be in this place that I knew. I know Frederick Young really liked this part of the world. He liked the climate and he liked the hills. He liked the snow and the landscape. And we know that because he mentioned it in his letters home to his sisters. He said, "This is just beautiful. This is just beautiful." And he thought it was so appropriate a climate. It would be good for his for the wounded soldiers. Who had injured when they needed to recover, he thought this is the right place, and he built, I believe, a sanatorium at Llandour, which is no longer a sanatorium, of course. But I hope to see that I think the building is still there, and I'll be able to visit it. मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।